तो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल की देखो देखो ये एक थ्योरेटिकल सवाल है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें समझा नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सॉफ्ट आयरन के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन उसकी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन की देखो रिटेंटिविटी हाई होती है, रिटेंटिविटी अगर तुम देखोगे तो रिटेंटिविटी इसकी लेस होती है। रिटेंटिविटी लेस मतलब ये होता है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी गेन करेगा तो दोबारा जो है अपने एक्चुअल पोजीशन में आने का ताकत रखता है, मतलब कम जो है इजिली मैग्नेटाइज तो हो जाएगा लेकिन रीगेन बहुत कम करेगा। दूसरा परमीएबिलिटी हाई होगा, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी इसकी हाई होगी। मतलब ये हुआ हाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को अपने अंदर आसानी से अलाउ करेगा, ठीक है। तीसरी जो है वो हिस्टेरिसिस लॉस लेस होता है, हिस्टेरिसिस यहाँ से लॉस जो होता है हिस्टेरिसिस लॉस वो कम होता है इसमें, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जो एनर्जी का बर्बाद होता है जो वो कम होता है इसमें, ठीक है ना। और लेस कोवर्सी लो जो है इसका लो कोवर्सिटिविटी इसकी लो होती है, ठीक है ना। तो कोवर्सिव फोर्स इसका लेस होता है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन की होती है। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो लो रिटेंटिविटी फर्स्ट ये प्रॉपर्टी और लो कोवर्सिविटी ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी मिला के सी ऑप्शन मैच कर जाता है। कुल मिला के यार ये याद करने वाली बात है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख लेना। थैंक यू।